एंड वेलकम ऑल। इस लेक्चर में हम लोग 12 कंफ्यूज्ड वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे, होगा 62 से लेकर के 73 तक, पूरे 12 कंफ्यूज्ड वर्ड्स। उनमें पहला है प्रेसिडेंट एंड प्रीसिडेंट। देखिए प्री और फिर सीडेंट, प्रीसिडेंट और प्रेसिडेंट तो आप सबको आता ही है। प्रेसिडेंट की हिंदी होती है उदाहरण और प्रेसिडेंट की राष्ट्रपति। दूसरा होगा प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, दोनों का उच्चारण बिल्कुल सेम होता है लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस है। एक होता है पी ए एल और एक होता है पी एल ई। प्रिंसिपल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य और दूसरे प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत। याद करने का तरीका हो सकता है कि देखिए एक वर्ड है पी ए एल, पी एल का मतलब होता है फ्रेंड, पाल बोलते हैं फ्रेंड, ठीक। तो प्रेसिडेंट भी एक पर्सन होते हैं, फ्रेंड जैसे मान सकते हैं हम उनको अगर बहुत ही अच्छे होते हैं तो इस तरह से पी ए एल वर्ड की सहायता से पी ए एल वाला प्रिंसिपल प्रधानाचार्य समझ लेंगे और एक पी एल ई वाला रहेगा उसे सिद्धांत कहेंगे। फिर है प्रपोज, यहाँ पी आर ओ पी ओ एस ई इसे कहेंगे प्रपोज। और दूसरा है पी यू आर पी ओ एस ई परपज, प्रपोज एंड परपज। प्रपोज हो जाएगा प्रस्तावित करना, प्रस्ताव देना और परपज मतलब हो जाएगा इरादा। फिर है देखिए आर ओ यू टी, बहुत सिंपल है उच्चारण इसका, राउट, राउट मतलब पराजय, इसे हार कह सकते हैं। ये दूसरा है राइट, आर ओ आई टी, राइट मतलब दंगा, याद रखिएगा आर ओ आई नहीं आर आई ओ, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम यहीं पर कि ओ शुरू में होगा कि आई शुरू में होगा। राइट रा ई आ रहा है तो आई आएगा, राइट दंगा। फिर होगा स्टेशनरी और स्टेशनरी, दोनों का उच्चारण एक ही होता है लेकिन अंतर है। अंतर कहाँ पर, एन के बाद इधर ए होता है और एन के बाद दूसरे में ई होता है। याद रखिएगा जो ई वाला होता है इसका मतलब होता है पाठ्य सामग्री, पेन पेंसिल नोटबुक ये सब जो सामग्रियां होती हैं स्टेशनरी कहते हैं। और स्टेशनरी मतलब पहला जो ए वाला है मतलब स्थिर, स्टैटिक, हिलना डुलना नहीं, ए होता है। फिर एक टेस्टफुल मतलब सुरुचिपूर्ण और टेस्टी मतलब स्वादिष्ट। तो टेस्टी क्या होता है, जब हम चखते हैं कुछ और अच्छा लगता है तो उसे कहते हैं टेस्टी, जब हम देखते हैं और कुछ अच्छा लगता है उसे कहते हैं सुरुचिपूर्ण। तो चखने वाले को बोलते हैं स्वादिष्ट, देखने वाले को बोलते हैं सुरुचिपूर्ण। रिकलेक्ट और रिमेम्बर, दोनों की हिंदी होती है याद करना, याद करना। रिकलेक्ट मतलब जो पहले याद था भूल गए हैं उसे हम दोबारा याद करते हैं उसे कहते हैं रिकलेक्ट। और रिमेम्बर मतलब जो हमें नहीं पता था पहले से याद करते हैं, जैसे आप पोएम्स याद करते हैं राइम्स, तो वो सब कहेंगे रिमेम्बर। रिकलेक्ट के लिए रिकॉल का भी प्रयोग किया जाता है जिसका मीनिंग भी याद करना, भूला हुआ का होता है। 69th नंबर है रेन और रेन, दोनों का रेन होता है। एक और रेन आप जानते हैं जिसका लिखा नहीं, इस मतलब इस रेन का मतलब वर्षा, ये तो आप जानते हैं तो इसको मैं लिखा ही नहीं। पहले रेन का आर ई आई जी एन, रेन का मतलब होता है शासन करना, रूल करना, आप जानते हैं ना रूल, वही शासन करना। और दूसरे रेन का मतलब लगाम, जो घोड़ा में लगाया जाता है जिसे घोड़ा को हम कंट्रोल रखते हैं वह लगाम। उसके बाद 70th नंबर वैल्यूएबल और इनवैल्यूएबल, देखिए वैल्यूएबल पढ़ लेंगे आसानी से आप और फिर इनवैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब बहुमूल्य, मतलब बहुत जिसका मूल्य होता है। इनवैल्यूएबल मतलब अमूल्य, जिसका मूल्य नहीं लगा सकते हैं उसे बोलते हैं अमूल्य। फिर है रूट और रूट, दोनों का एक ही होता है रूट और रूट। इस रूट का मतलब जानते हैं जड़ और दूसरे रूट का मतलब रास्ता, जो बस जाने का रास्ता होता है, ट्रेन जाने का रास्ता होता है, एरोप्लेन जाने का रास्ता होता है, शिप के जाने का रास्ता होता है, आदमी के जाने का रास्ता होता है, उसे कहते हैं रास्ता को रूट, आर ओ यू टी ई। 72nd नंबर लोन और लैंड, लोन मतलब उधार,
नाउन है यह, और लेंड मतलब उधार देना, यह वर्ब है, यूज करेंगे अभी दूसरी बार में। 73, सीज और सीज। पहले सीज का मतलब होता है बंद करना, रोकना, CEASE। दूसरे सीज का मतलब होता है बरामद करना या जब्त करना, बरामद करना या जब्त करना, सीज, SEIGD। तो अब पूरे 12 तो देख लिया हमने, 12 का प्रयोग देख लेते हैं फटाफट। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, रामनाथ कोविंद इज द 14th प्रेसिडेंट, रियली 14th ही है, वो जीके का पॉइंट है ये। प्रेसिडेंट मतलब उदाहरण, अ गुड स्टूडेंट सेट्स प्रेसिडेंट फॉर अदर्स टू फॉलो, एक अच्छा विद्यार्थी उदाहरण तय करता है, उदाहरण सेट करता है, उदाहरण बनता है या बनाता है फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, टू फॉलो पालन करने के लिए। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट हो गया उदाहरण लेकर। प्रिंसिपल प्रधानाचार्य, द प्रिंसिपल स्टीयर्स द कॉलेज टू ग्लोरी, प्रधानाचार्य कॉलेज को गौरव की तरफ स्टीयर करते हैं, ले जाते हैं। गौरव, ग्लोरी मतलब क्या होता है, गौरव की तरफ ले जाते हैं। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, अ स्टूडेंट शुड बी अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, एक विद्यार्थी को सिद्धांतवादी होना चाहिए, एक विद्यार्थी को सिद्धांतवादी होना चाहिए, अ मैन ऑफ प्रिंसिपल मतलब सिद्धांतवादी होना चाहिए। फिर है प्रपोज पर्पज, प्रपोज मतलब प्रस्तावित करना, योर प्रपोजल, हम उसको यूज करने में नाउन भी बना सकते हैं, प्रपोजल का मतलब हो जाएगा प्रस्ताव, आपका प्रस्ताव, ऑफ कंबाइंड स्टडीज, संयुक्त पढ़ाई का, आपका संयुक्त पढ़ाई का प्रस्ताव, विल बी फ्रूटफुल, परिणामदायी होगा, फलदायी होगा। पर्पज मतलब इरादा, क्लियर थॉट्स, स्पष्ट विचार, मेक क्लियर पर्पसेस या पर्पजेज, क्लियर थॉट्स, स्वच्छ विचार, स्पष्ट विचार, स्पष्ट उद्देश्य बनाते हैं या निर्धारित करते हैं। राउट मतलब पराजय, द मोरल ऑफ एनिमीज गोज लो, द मोरल ऑफ एनिमी मतलब शत्रुओं की का मनोबल, गोज लो नीचे चला जाता है, गिर जाता है, ड्यू टू के कारण, फियर ऑफ राउट, हार के भय के कारण, पराजय के भय के कारण शत्रुओं का मनोबल नीचे चला जाता है। राइट, राइट मतलब दंगा, टॉलरेंस एलिमिनेट्स द चांसेस ऑफ राइट, सहन शक्ति, सहिष्णुता भी कहते हैं इसे, दूर करता है, सहन शक्ति दूर करती है द चांसेस ऑफ राइट्स, दंगा के अवसर को, सहन शक्ति दंगा के अवसर को दूर करती है। सहन शक्ति है तो सहन शक्ति अधिक रहेगी तो दंगा नहीं होगा, बर्दाश्त कर जाएंगे। फिर है 76 नंबर, स्टेशनरी और स्टेशनरी, जानते हैं एन के बाद ए और एन के बाद ई का डिफरेंस है। स्टेशनरी मतलब स्थिर, आप जानते हैं ज्योग्राफी से कि सन स्टैटिक होता है, सन स्टेशनरी होता है, उसी को यूज किया है। और दूसरे स्टेशनरी का मतलब होता है पाठ सामग्री, स्टेशनरी इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, पाठ सामग्री विद्यार्थियों के लिए लाभदायी होती है। टेस्टफुल, टेस्टफुल मतलब सुरुचिपूर्ण, जो देखने में अच्छा लगता है। मीरा हैज डेकोरेटेड हर हाउस इन ए टेस्टफुल मैनर, मीरा ने अपने घर को डेकोरेट किया है, सजाया है, इन अ टेस्टफुल मैनर मतलब सुरुचिपूर्ण तरीके से। टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, मीरा प्रिपेयर्ड टेस्टी फूड, मीरा ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। रिकलेक्ट याद करना, ऑन रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड, बचपन को याद करने पर राम एमुजेज, राम आनंदित होता है, राम आनंदित होता है। रिमेम्बर मतलब याद करना, रिमेम्बरिंग अ लेसन हेल्प्स इन स्टडीज, पाठ याद करना सहायता करता है पढ़ाई में, पाठ याद करना पढ़ाई में सहायता करता है। देन रेन, रेन मतलब शासन करना, तो राम
तो है राम रेन ओवर अयोध्या, राम ने अयोध्या पर शासन किया। ध्यान रखिए कि रेन के बाद प्रीपोजिशन लगाया है ओवर, ध्यान रखिएगा। इस रेन का मतलब तो लगाम, घोड़े का लगाम होता है वैसा ही। राम कीप्स द रेन्स ऑफ हिज हॉर्सेस, राम अपने घोड़ों का लगाम रखता है। इन हिज कंट्रोल, अपने नियंत्रण में। राम अपने घोड़ों का कंट्रोल, राम अपने घोड़ों का कंट्रोल सॉरी सॉरी राम अपने घोड़ों का लगाम अपने नियंत्रण में रखता है। नाउ वैल्यूएबल मतलब बहुमूल्य, जिसका मूल बहुत अधिक होता है। टाइम इज वैल्यूएबल, समय बहुमूल्य होता है। इनवैल्यूएबल मतलब अमूल्य, जिसका मूल निकाल नहीं सकते हैं। वर्चू इज इनवैल्यूएबल, वर्चू का मतलब क्या होता है? वर्चू सदगुण, अच्छे गुण। वर्चू इज इनवैल्यूएबल, सदगुण अमूल्य होते हैं, होता है। नाउ रूट, रूट मतलब जड़। तो रूट तो पेड़ का जड़ भी, लेकिन हमने इसको और भी अच्छा यूज किया है। पोल्यूशन इज द मेन रूट ऑफ इलनेस, प्रदूषण बीमारी का मुख्य जड़ है। राउट मतलब रास्ता, सॉरी सॉरी रूट, रूट मतलब रास्ता। द रूट ऑफ सक्सेस, सफलता का रास्ता। डिमांड्स चाहता है, मांग करता है। डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, सफलता का रास्ता दृढ़ निश्चय डिमांड करता है। लोन मतलब उधार, लोन का मतलब उधार नाउन होगा। अ लोन हेल्प्स इन स्टार्टिंग अ बिजनेस, हम बैंक से लोन लेते हैं वही उधार या ऋण, उधार कहिए चाहे ऋण कहिए, हम हेल्प सहायता करता है। इन स्टार्टिंग अ बिजनेस, व्यवसाय शुरू करने में। लेंड मतलब उधार देना। राम हेल्प्ड रहीम, राम ने रहीम की सहायता की। बाय लेंडिंग उधार देकर, हिज मनी हिम मनी उसे पैसा, राम ने रहीम को उसे पैसा उधार देकर सहायता किया। तो लेंड का प्रयोग कर दिया, सॉरी। देन है सीज और सीज, एक सीज का मतलब बंद करना या रोकना। अभी वॉर चल रहा था आर्मेनिया और अजरबैजान, दो देश इनके बीच, जो खत्म हो गई है, बंद हो गई है। द वॉर बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान हैज सीज्ड, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई बंद हो गई है या रुक गई है। सीज मतलब बरामद करना। पुलिस हैव सीज लिकर इन बिहार, पुलिस आप जानते हैं प्लुरल होता है हमेशा, तो हैव आएगा। तो पुलिस हैव सीज्ड, पुलिस ने बरामद किया है, जब्त किया है लिकर, लिकर मतलब शराब, इन बिहार, बिहार में। आप जानते हैं बिहार में टोटल प्रोहिबिशन है, तो वहां पर शराब मिलते ही पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। तो इस तरह से हमने पूरे 15 जो कन्फ्यूजन्स थे, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्रिंसिपल प्रिंसिपल पर्पज सॉरी प्रपोज पर्पज राउट राइट स्टेशनरी स्टेशनरी टेस्टफुल टेस्टी रिकलेक्ट रिमेंबर रेन रेन एंड वैल्यूएबल इनवैल्यूएबल रूट रूट लोन लैंड सीज एंड सीज कंप्लीट किया। बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।